हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो रात भर के ट्रेन जर्नी के बाद हम निकल पड़े थे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। और कोविड सिचुएशन के ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के नॉर्मलाइजेशन की तरफ के बाद ये हम लोग का पहला फैमिली ट्रिप था, जिसकी खुशी आप लोगों को हमारे चेहरे पे बिल्कुल साफ दिख रही होगी। और ये ट्रिप मेरे लिए थोड़ी सी एक्साइटिंग इसलिए भी थी क्योंकि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ATR कैटेगरी के प्लेन में ट्रैवल करने वाला था। कृपया ध्यान दीजिए, विमान के दरवाजे बंद हो गए हैं, सभी यात्रियों से अनुरोध है वे अपने मोबाइल फोन को नॉन ट्रांसमिटिंग मोड जैसे फ्लाइट मोड पे कर दें। धन्यवाद। और लैंडिंग से पहले जब कैप्टन ने अनाउंसमेंट की तो मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो जैसा हम अपने किताबों में पढ़ते हैं वैसा ही पाया, मेघ जोड़ आलय यानी मेघालय। जी हाँ, इस बार का ट्रिप ये है मेरा मेघालय का ट्रिप। और शिलोंग के एयरपोर्ट पे लैंड करते ही हमारा स्वागत हुआ इन नज़ारों के साथ। जी हाँ, अभी आपने जैसे सुना कि एग्जिट पास, तो ये क्या है इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैंने लास्ट में इसके बारे में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हम मिले अपने गाइड भैया से जो हमारा बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, ये मेरा एक गाइडेड टूर है और अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आ चुके हैं पहला टूरिस्टिक डेस्टिनेशन इन शिलोंग, दैट इज़ उमियम लेक। एंड ये एक मैन मेड रिजर्वायर है जो कि लेक में कन्वर्ट हो गया एंड साथ ही साथ एक टूरिस्टिक स्पॉट बन गया। चलिए इसको भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा एक लंच किया, लंच का स्पॉट वो रहा, उसके बाद हम आए हैं गोल्फ कोर्स में। एक्चुअली अगर आप मेघालय का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो तीन हिल्स रेंज में डिवाइडेड है, दैट इज गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये बहुत पुराना, मतलब लाइक 80s का ये गोल्फ कोर्स है और ये आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है।
जगह की सबसे बड़ी बात है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, तो एक पूरा एक एरिया है जहाँ पे आप आके अपने फ्रेंड्स बोल लो, फैमिली बोल लो, उनके साथ एक अच्छा टाइम बिता सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक है, तो अगर आप लकी हुए तो आपको भी मिल सकते हैं कुछ ऐसे ही नज़ारे, जैसे कि यहाँ पे यामाहा बाइक्स की तरफ से चल रहे थे एक बाइक शो इवेंट। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में आगे देखा, मैंने बात किया अबाउट एग्जिट पास। तो ये एग्जिट पास क्यों है और क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था ये एग्जिट पास बहुत ज़्यादा हाइप था, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ मिस इन्फॉर्म्ड रहें। तो ये एग्जिट पास कुछ नहीं, जस्ट एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेघालय टूरिज्म के पास कि आप आए हो और आप कहां से आए हो। ये एग्जिट पास आपको इजीली मिलता है, आप जैसे ही शिलोंग एयरपोर्ट पे लैंड करोगे मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव वहां पे रहेंगे वो आपसे आपके डिटेल्स लेंगे, आपका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, आपने कौन सी वैक्सीन ली है, आपका डबल डोज कब कंप्लीट हुआ, आप कहां से आ रहे हो और आप कितने लोग हो, आप कितने दिन स्टे करने वाले हो, ये सारे डिटेल्स वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट करेंगे एंड आपको एक एग्जिट पास दे देंगे कि आप कितने ट्रैवलर्स हो और उसको लेके आप एयरपोर्ट से निकल सकते हो। और कुछ नहीं है, ना ही इस एग्जिट पास को आपको अच्छे से रखना है या फिर कुछ और, जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन है मेघालय टूरिज्म के पास कि आप कहाँ से और कैसे आ रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नया वीडियो दूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।